you. <smart noise> Everyone, क्या हाल चाल है आप सबके आज की जो मेरी वीडियो गार्डन और हाउस के ऊपर ही है वैसे तो मेरी हर वीडियो गार्डन और हाउस के ऊपर ही होती है आपने नोट किया ही होगा कि हम जब भी कोई हमारे घर में एंटर होता है सबसे पहले ध्यान जाता है गार्डन की तरफ अगर गार्डन में कुछ चीजें ऐड हो जाए और वो जब भी कोई आ, आ, गेस्ट आता है और एकदम आपके गार्डन की तरफ़ देखे और बोले क्या बात है और आपकी गार्डन की तारीफ़ करे तो बहुत अच्छा लगता है आज की जो वीडियो है वो है हमारी गार्डन के जो आप सेंटर में भी गार्डन के बना सकते हैं और कॉर्नर पे भी बना सकते हैं जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गार्डन में जो हट और उसे गजीबो गजीबो भी बोल देते हैं आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी गजीबों के ऊपर हट के ऊपर मगर जो ये ये वीडियो आप दे, देखने जा रहे हो ये बहुत ही जो मेरी जो हट बनी हुई है बहुत मजबूत और सुंदर जो उसमें कलर कम्बिनेशन है बहुत अच्छे हैं और बहुत ही हैवी बनवा मैंने बनवाई थी ये आज से चार पाँच साल पहले आज मैं आपको बताऊँगा वी उसका सेज क्या है उसकी हाइट कितनी है और उसकी ऊपर टॉप की हाइट कितनी है और उस पर मेरा टोटल खर्चा कितना आ गया था कॉस्ट मेरी कितनी आ गई थी अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं जो मेरी हट जो बनी हुई है आप देख ही रहे होंगे देखिए मेरी हट कितनी सुंदर है ग्रीन कम्बिनेशन है नेचर की और खींचता है साथ में ऑफ वाइट कलर है पिलर का चेयर रखी हुई है कंक्रीट की है दोनों और सहज की बात मैं करता हूँ पिलर ये मैंने पिलर दस फुट का पिलर है ये ये आम पिलर नहीं है जो आप लोहे की दुकान पे जाओगे आपको मिल जाएगा ये बहुत ही हैवी है ये ज्यादातर यूज होता है हमारे पंजाब में समरसीबल जो हमारे खेतों में ट्यूब होते हैं, उनमें ड्राइवरी इक्का पैप होता है ये दृष्टि होता है इस इसे इसमें जर्नी लगती इसकी दस फुट हाइट है ये तीन फुट ए, जमीन के नीचे मैंने दबाया हुआ है कंक्रीट से भरा हुआ है जो यहां से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो सात फुट है और इसकी जो डायमीटर है वो है दस बाई दस का दस 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 इधर अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की नीचे की एक कंक्रीट का नीचे मैंने बनाया हुआ है पूरा हैवी बनाया है जो जब ये पिलर खड़े होते हैं चारों कंक्रीट का भर भरकर अच्छी तरह से मैंने बनाया है ये और अभी जो करते हैं अंदर की बात ये ऊपर से लेके जो छत है जो इसकी जो लास्ट कॉर्नर पे लेके नीचे तक साढ़े दस फुट इसकी हाइट है साढ़े दस फुट हाइट है अगर पिलर की बात करें पिलर से ये साढ़े तीन फुट ऊंचा है ये मेरी हट और मैंने इसमें देखो हैवी पैब यूज किए हुए हैं तारों चारों तरफ इसमें हैवी पैब यूज किए हुए हैं जितने भी पैप लगे हैं पूरे हैवी लगे हुए हैं और जो ये पैप है मेरे ये चारों पैप एक पैप की जो वेट है ट्वेंटी थ्री के जी है तेईस के जी का एक पैप है बहुत ही हैवी पैप मैंने यूज किया हुआ है और जो मैंने चादरें डाली हुई हैं ये सीमेंटेड चादरें हैं कॉमन ही मिल जाती है इसमें टोटल बारह चादरें लगी थी जो चार चादरें लगी थी आठ फुट की हाइट की लगी थी जो बाकी आठ चादरें हैं वो छः फुट की लगी थी क्योंकि इसमें जब भी चादरें लगती हैं इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती है एक आधी चादर खराब ही हो सकती है या गलत कटिंग हो सकती है कुछ भी हो सकता है जो वैसे तो प्रोफेशनल से बनवाना चाहिए जो शेड का, का काम करते हैं और बात करते हैं इसके कलर की कलर तो आपने देख लिया मैंने ग्रीन कलर चूज किया हुआ पैरट जो नेचर से मेल खाता हो चेयर इस है मैंने ऑरेंज रखी हुई है जो इसके पिलर है, वो ऑफ वाइट कलर है सेंटर में मैंने लकड़ी का टेबल रखा हुआ है गोल और सेंटर में इसमें मैंने ये कोट रखा हुआ है ग्रीनिंग का जो कंगी पाम है काफी खूबसूरत लग रहा होगा आपको और इसके बीच में मैंने पूरी फैसिलिटी दी हुई है अपनी वायरिंग की पूरी फिटिंग की हुई है लाइट की वायरिंग की जितनी भी है मैंने सारी वायरिंग की हुई है अंदर की तरफ आओ आप ऊपर ऊपर दिखाना जितने मैंने चार लैंप लगाए हुए हैं चारों लैंप दिखाओ ये चार लैंप मैंने लाइट के लिए लगाए हुए हैं सेंटर पे मैंने पंखा भी लगाया हुआ है चारों तरफ से ओपन है खुली हवा लगती है पंखा चलाओ और बैठो आनंद लो पूरे और बात करते हैं नीचे फर्श की फर्श में मैंने कंक्रीट का नीचे भरा हुआ था ऊपर मैंने टाइल लगाई हुई है साइड पे जितना भी है नीचे करो साइड में जितना भी है ये सारा मैंने ग्रेन नाइट लगाया हुआ है जितना भी पट्टा लगा हुआ है ग्रेन नाइट का लगा हुआ है बीच में टाइल लगी हुई है और आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे लाइट लगाई हुई है मैंने छत पे छत पे मैंने लाइट लगाई हुई है रात को बहुत अच्छा व्यू मिलता है अंदर भी लाइटें लगी हुई हैं इसका भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है और घर में ये कम से कम ये चार पच साल से मेरे घर में ये मैंने चार पाँच साल पहले मैंने बनवाई थी ये इसमें इतनी मजबूत है इसने पाँच साल में देखो कितने इसने मौसम जेले होंगे बरसातें पंजाब में आपको पता ही है कितने आंधी तूफान आते हैं वो भी जेले हैं पर अभी तक ये टिकी हुई है इस पर मैंने अभी अब तक दो बार पेंट करवा लिया है दो साल जो दूसरा पेंट हुआ है वो भी तीन साल पहले हुआ था जब मेरे पूरे घर का पेंट हुआ था और बात करते हैं लास्ट में इसके प्राइस की कितनी कॉस्ट आ गई थी टोटल देखो चार पाँच साल पहले महंगाई थोड़ी कम थी उस वक्त टोटल मेरा ख़र्चा चालीस पैंतालीस हजार रुपया आ गया था मैंने पूरा आइडिया लगाया नहीं था भी कितना चालीस या पचास के बीच बीच ही रहा होगा अगर जो आज की बात करें ये टोटल इतनी ही हैवी जो जो मैंने मटेरियल लगाया है जो आप लगाएंगे अगर आज की बात करें कम से कम ये साठ पै साठ और सत्तर के बीच में ये तैयार होगी पूरी पूरी हैवी जो नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ टाइल लगी हुई है ये चेयर है इस मिनटेड चेयर चेयर दोनों ही दस हजार की है और जो चादरें लगी हुई है आपने देखी हुई है ये तो कॉमन ही है हर अपने जो लोहे की वहां दुकान वहां से मिली ही जाती है और जब ये सारा फिट हो जाती है सेंटर में एक जगह रह जाती है ये वाली इस पे मैंने फिर टीन की चादर आती है दिस्ती वो भी दिस्ती होती है वो मैंने कटवाकर प्रेस कर आ, एक मशीन होती है प्रेस करके वो ना इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं और वो वो मैंने लगाए हुए हैं चार पीस लगे थे ऊपर ये पूरी अब इसमें इतनी बारिश जितनी मर्जी हो हो जाए नीचे इसके पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी जैसे मर्जी बैठो और मैं आपको और भी एक बात बता देता हूँ अगर आपका मन बरसात जब भी बरसात हो ठंडा मौसम हो बरसात हो पकौड़े हो जाएं, चाय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हम अक्सर बैठ जाते हैं जब भी मौसम अच्छा होता है यार दोस्त आ जाते हैं और चाय पकौड़ा फिर चलता है तो मैंने आज जो आपको बताया है ये मैंने आपको सब जितनी भी डिटेल मैंने आपको सब दे दी है कि ये कितनी कॉस्ट मेरी थी चार पाँच साल पहले अब कितनी आएगी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी उसकी छत सो नीवी होगी और थोड़ी ढलान है वो कम होगी इसकी ढलान भी पूरी है दूर से आए दिखेगी ये पूरी जोपड़ी टाइप है गजीबो टाइप है पूरी हैवी है ये और इसमें मैंने बास्केट भी लगाई हुई हैं फूल के लिए बहुत अच्छी लगती हैं आप और भी कुछ आइडिया ले सकते कर सकते हैं मगर आपको जो भी आपके मन में जो भी सवाल हो कुछ भी आपने ये पूछना हो बेहिजक मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगा और जितना भी मैंने आपको प्राइस बताया है उसका प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है शायद आपके शहर में कहीं भी ये पचास तो हजार में भी तैयार हो जाए थोड़ा मटीरियल्स थोड़ा सा हल्का लगेगा तो कम में तैयार हो जाएगी अगर आप पूरा हैवी तैयार करेंगे आप अगर जो मैंने बीच पैप यूज किए हुए हैं इसके जो बीच वाले हैं आप वो भी हैवी और हैवी यूज करना चाहते हैं उतना ही कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो लास्ट में बात मैं इतना ही करूँगा कि ये मैंने पाँच साल पहले मैंने बताया था तीसरी बार भी बता रहा हूँ पाँच साल पहले मैंने ये बनाई थी जब भी हमारे घर में कोई भी एंटर करता है सबसे पहले इधर ही ध्यान जाता है और हर कोई पूछता है कब बनवाई थी बहुत अच्छी लग रही है कितने की बनी थी हमने भी बनवानी है और मेरी एक आपके स्पेस इस इस दस बाई दस की है अगर आपके गार्डन में आपका हाउस बड़ा है गार्डन बड़ा है तो आप दस बाई दस का साइज बिल्कुल सभी सेंट साइज है आप ये बना सकते हैं अगर आपके घर में जगह थोड़ी कम है तो मैंने मेरे एक वीडियो होर है अमरेला वो आपकी कम साइज में बन जाएगी और यानी कि आप छः फुट आठ फुट के साइज में भी थोड़ी जगह में भी वो बन जाएगी वो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भी वो आप देख लेना उसका लिंक तो आज की वीडियो में इतना ही पर मैं हाथ जोड़ कर आपसे बेनती करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यही अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी हौसला हो जाता है वीडियो बनाने का और आगे मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आएगी अभी तो मेरी ये मेरे चैनल की शुरुआत है कि जो मेरी वीडियो आ रही हैं अभी तो शायद जब मैं वीडियो डालूँगा अभी सितंबर की पच्चीस तारीख है शायद मैं वीडियो थोड़ी लेट डालूँ अक्टूबर में या नवंबर में डालूँ क्योंकि अभी मेरी वीडियो बहुत पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो मैंने अपनी चैनल पर डालनी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच मगर लास्ट में फिर बार एक बार कह देता हूँ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को थैंक यू सो मच